Hello everyone! I welcome you all to Studies Squad and it's time to start today's session. In today's session, we will cover daily news analysis, from The Hindu. कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपका गैप का पार्ट और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ टेन मिनट्स के अंडर अंड सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए एंड मेक श्योर करना कि आप लाइक कर दो इस सेशन को अगर आप देख रहे हो और शेयर कर दो विद ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए दैट ये जो हम सेशन ला रही है इट्स एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव एंड इट्स हेल्पिंग पीपल अराउंड

अबाउट टू बी कमिशन सो कौन सी सेकेंड न्यूक्लियर पार्ट सबरीन है जो आपकी इंडियन नेवी में कमिशियल होने वाली है नेम है आपका आयन इज अरेगा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आपकी न्यूक्लियर पार्ट है या फिर ये आपकी डीजल पार्ट सबमरीन है सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है सो so, नाम आपको याद रखना है बाकी थोड़ा और डिस्कस करेंगे अबाउट आयनिस अरेगाट अब देखो ये जो आपकी इंडियन नेवी है इट्स प्रिपेयरिंग टू कमीशन आईएनएस अरिगात इट्स सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इसके अलावा कौन सी हमारी इंडियन नेवी में सबमरीन्स है जो न्यूक्लियर पावर्ड है जरा कमेंट्स में बताइएगा ओके व्हिच इज नियरिंग दी कंप्लीशन

Okay? So, ये भी आपको दोनों चीजें याद रखनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं इन पे ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हो सबमरीन को ये सब आपको मिल जाएगा हमारी पीडीएफ में जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है ठीक है एवरी डे नेक्स्ट आएंगे विथ टू एयर फोर्सेस पार्टिसिपेटेड इन दायलिटर एयर एक्सरसाइज उदारा शक्ति 2024, तो so, उदार शक्ति नाम की आपकी एक्सरसाइज आई है एयरफोर्सेस के बीच में हुई है कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है सो so, ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो हम करते हैं मलेशिया के साथ नेम है आपका उदार शक्ति ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इंडियन एयरफोर्सेस के बीच में होती है ठीक है नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर मलेशिया का मैप भी देख सकते हो आप दिस इज मलेशिया मैप द हाईलाइटेड पोर्शन ये आपका मलेशिया का मैप है ठीक है साउथ चाइना सी में है आपका मलेशिया ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर इसी कैपिटल क्या है क्वालामपुर यहाँ पर हम देख रहे हैं ओके तो इधर भी इसका पार्ट है इस पोर्शन में भी एंड दिस पोर्शन इज ओल्सो योर मलेशियाज पोर्शन ओके तो ये आप दोनों चीजें यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो ठीक है साउथ चाइना सी में लोकेटेड है आपका नेक्स्ट आते हैं विच टू आर्मीज़ पार्टिसिपेटेड इन दिट्रीज मित्र, शक्ति. मित्र शक्ति की बात की गई है आप ये होती है आपकी इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति सो so, इसमें कौन सी आर्मी है आपकी इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी दाट पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर बाईलेट्रल मिलिट्री एक्सरसाइज एनुअली कंडक्ट होती है आपकी एक्सरसाइज ओके okay? नेक्स्ट आ जाते हैं श्रीलंका का मैप आप यहाँ पर देख सकते हो आई होप आप सबको पता ही होगा यहाँ पर है आपका बे ऑफ बंगाल इधर आपका इंडिया है इधर है आपका पोल्प पार्क स्ट्रीट नीचे है आपका इंडियन ओशन पूरा ठीक so, okay? है सो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट आ जाते हैं वेयर विल दी फर्स्ट एवर ग्लोबल विमेन्स कबड्डी लीग कमेंट्स इन सितंबर सो बड़ी चीज है फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन कबड्डी लीग हो रहा है विमेन एंपावरमेंट की बात की जा रही है सो so, ये होगा आपका हरियाणा में सो so, हरियाणा आपका होस्ट करने वाली है ग्लोबल विमेन्स कबड्डी लीग जो सितंबर में होने वाला है फर्स्ट एवर है आपका नेक्स्ट आते हैं व्हिच कंट्री सैटेलाइट नेम मुनल ओके पहले तो सैटेलाइट का नेम है मुनल इज बीइंग Uh, इट पे वर्क करने का मोनाल ठीक है कौन सी कंट्री की सेटेलाइट है ये है आपकी नेपाल की सेटेलाइट नेपाल की सेटेलाइट है मोनाल क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा कि मोनाल जो आप सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड करती है सो दट इज एसोसिएटेड विद नेपाल जहां पर इंडिया हेल्प करेगी ओके इतना जानना आपके लिए जरूरी है बस नेक्स्ट हु वो वो इन फॉर द फोर्थ टर्म एज एस रवान्डासन ऑफ दिस इलेवन ओके अब जो आपके इसमें इलेक्शन हुए थे यहाँ नाइनटी नाइन परसेंट वोटिंग से जीते हैं ये सो काफी बहुमत से जीते गए हैं फोर्थ टर्म में आए हैं आपके रवांडा के प्रेजिडेंट क्या नाम है नेम है पॉल खागमे पॉल खागमे इज द पर्सन दैट हैज कम टू रवांडास यू नो गवर्नमेंट फोर्थ टाइम आए हैं ये थोड़ा सा रवांडा के लोकेशन देखेंगे यहाँ पर अब देखो यहां है आपका अफ्रीका और इधर है आपका रवांडा दिस स्टॉल पोर्शन इज रवांडा लेक विक्टोरिया इसके पास में है ठीक है अब यहां पर हम देखेंगे दिस इज रवांडा ओके किगाली इसकी है आपकी कैपिटल इधर और लेक की वो है इसकी यहाँ पर सिचुएटेड प्लस कौन सी कौन सी अदर स्टेट्स से बॉर्डर करती है तंजेनिया है बुरदीनी है ओके okay? सो so ये और कंट्रीज हैं जो बॉर्डर करती है युगांडा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सो ये इन लोगों को बॉर्डर करती है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट आएंगे हम ओलंपिक से रिलेटेड अब हम न्यूज एनालिसिस पे आ चुके हैं अब देखो ओलंपिक्स आपका एंड हो गया है 2024 का अब आप जो आपका 2028 में होगा वो कहाँ होगा लॉस एंजलिस में ओके okay? सो so, पर होगा आपका पर्टिकुलर ओलंपिक्स 2028 में ये देख सकते हो आप क्लोजिंग सेरेमनी में हमारी साइड से इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे यहाँ पर पिक्चर में बहुत ही ज्यादा आराम से आप देख सकते हो दिस इज मनोभावकर एंड वी हैव आर हॉकी प्लेयर हेड ओके जिन्होंने रिटायरमेंट की है इस बार तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हो दिस इज पी आर सृजेश आराम से पिक्चर देख सकते हो मिल जाएगी आपको पता ही आपको ओलम्पिक्स के बारे में नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट आई है आपकी एनआईआरफ की रैंकिंग ओके और जहां देखा गया है कि आई आई टी मद्रास ने रिटेन दे, कर है अपना स्पॉट फिर दिक्कस ईयर टॉप स्पॉट पे रहा है आपका आईआईटी मद्रास यहाँ पर ठीक है बाकी आप सबकी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो टॉप यूनिवर्सिटीज की एंड ओवरऑल की भी उट इट नेक्स्ट आ जाएंगे अब के बारे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एनआईआर येजी टू रैंक इंस्टीट्यूशन अक्रॉस दी बेस्ड ऑन बेबियस पैरामीटर इनके कोई सिलेक्टेड पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे आपके इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी जाती है ओके okay? अब जो आपकी एनआईआर वो ऑज अप्रूव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओके एंड इट वॉज लॉन्च ऑन ट्वेंटी नाइन सेवेंटी 15 में आपका आया था ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जाता है वो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिंपल है एजुकेशन की बात करें एजुकेशन से रिलेटेड है इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट बाय द गवर्नमेंट टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो पहली बार हुआ था ऐसा ये पहला इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम Rankings देते हैं 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 आपके institutions को इनके जो five broad categories क्या क्या जिन पे करते वो आपके important हैं। That is, teaching, learning, resources कितनी है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस ग्रेजुएशन के आउटकम आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन क्या है इसके बेसिस पे होता है अब देखो इसको अगर हम सिंपल वे में बात करें तो आपकी टीचिंग देखी जाएगी लर्निंग एंड रिसोर्स कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन उसके स्टूडेंट्स को वो बहुत मैटर करता है अगर आप टेक यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो तो अगर आपके पास वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों को रिक्वायरमेंट है वो अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है देन इट्स नॉट यू नो ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है वो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है जो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए और इसी के बेसिस पर आपकी रैंटी होती है देन आ जाता है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस अब इसमें आ जाते हैं कि कितने वो रिसर्च में आपको हेल्प करेंगे प्लस प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज टू अगर आपको पता होगा तो आप लोगों को बिटवीन योर यू नो ग्रेजुएशन के बीच में आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है राइट right? सो so, वो कितनी प्रोवाइड करेंगे ये लोग कितनी हेल्प करता है आपका इंस्टीट्यूशन ग्रेजुएशन के आउटकम्स मतलब कहाँ कहां यूनिवर्सिटीज के जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी जगह प्लेसड हैं नहीं है कितना पैकेज है ग्रेजुएशन आउटकम वही होता है आपका आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी दैट मीन्स कि कितने इंडिया के सिर्फ इतने ही कॉर्नर से लोग नहीं आते हैं बट इंक्लूसिव है बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से भी अगर आपके लोग आ रहे हैं तो कितनी आउटरीच है आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की और परसेप्शन लोगों का परसेप्शन स्टूडेंट्स का परसेप्शन कैसा है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में अब फोर डिस्टिंग एडिशन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एडिशन आई थी आपकी जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रैंकिंग की गई थी अब उसमें क्या आया था इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री न्यू कटेगरीज नेम दी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज एट स्क्रूनिवर्सिटीज इन्होंने एडी थी जिनकी रैंकिंग थी देन आपका इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग इंटू इंडियन रैंकिंग यूजिंग एनआईए फ्रेमवर्क की इनोवेशन पे भी इन्होंने फोकस किया था प्लस अगर हम देखेंगे की बात होती है पे ये क्या होता है ये जज किया जाता है कि जो आपका इंस्टीट्यूट है कितने पेपर्स पब्लिश कर रहा है कितने रिसर्च पेपर्स वो पब्लिश कर रहा है इस बेसिस पे भी आपकी रैंकिंग होती है सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिसर्च पेपर की बात तो देखो रिसर्च पेपर आजकल अगर आप सिर्फ रिसर्च पेपर पब्लिश करने फोकस तो में फोकस करोगे तो मे बी इंस्टीट्यूट आपका स्टूडेंट्स पर से फोकस छोड़ सकता है तो वहां पर भी एन को और थोड़ी सी रैंकिंग देखनी चाहिए इंप्रूव करनी चाहिए प्लस आपकी क्या व्यूज है कि अगर ये टॉप टेन जो निकालते हैं उससे क्या इफेक्ट आता है और सारे इंस्टीट्यूशन पे और इन इंस्टीट्यूशन पे क्या इफेक्ट आता है वो कमेंट्स में बताइएगा ओके

जब आई एम आता है तो वो सीधे सीधे मनी नहीं देता है वो तो आपको रिफॉर्म्स लेकर आता है और वो कहता है कि जो मैं रिफॉर्म सजेस्ट कर रहा हूँ आपको वो पर्टिकुलर रिफॉर्म्स आपके लगाने पड़ेंगे मतलब यूज करने ही करने पड़ेंगे ठीक है आई एम एक बहुत बड़ी कंडीशन लेकर आता है जिसकी वजह से आपकी कंट्री बहुत हद तक चेंज हो जाती है सो so, आई जरूर लेकर आता है वो सीधे आपको लोन्स नहीं देता है सो रिफॉर्म्स लेकर आता है जो उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ओके okay? फर्स्ट थिंग इज देर देन कॉमेंट्स में आप मुझे बताओगे आई एम एफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ओके नेक्स्ट टाइम इथोपिया की लोकेशन देखेंगे इथोपिया आपका यहाँ पर है ठीक है इथोपिया आप यहाँ देख सकते हो दिस कैपिटल ओके उसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है दॉर्न ऑफ एफ्रीका जिसकी हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ एफ्रीका ये आपको वर्ड याद रखना है इसमें आपकी हॉर्न ऑफ एफ्रीका अगर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं इस पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार इसमें आपकी चार कंट्रीज आती है ठीक है जिसका हमने एक एक्रोनिम निकाला है दैट इज सीड सीड से आप याद यादर ठीक है सो अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज हैं या कौन सी कंट्री नहीं है पार्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका की देन यू कैन अप्लाई दिस सीड है एस किसके लिए स्टैंड करता है एस आपको स्टैंड करता है फॉर सोमालिया ओके ई आपका जो है वो स्टैंड करता है इथोपिया के लिए देन जो नेक्स्ट ई e है वो स्टैंड करता है इरीशिया के लिए जैसे आप देख रहे हो एंड जो आपका डी है वो जिबूर्ती के लिए स्टैंड करता है योर डी इज इज साइलेंट इट ओके सो इनके लिए स्टैंड करता है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं इसलिए एक बार मैंने आपको डिस्कस करा दिया है सीड जो इसका है ये भी याद रखना ट्रिक है आपकी इजी रहता है ओके नेक्स्ट आएंगे हम टॉप फोर वर्ड्स फॉर टुडे पे फर्स्ट वर्ड है आपका बरेस दैट मीन्स टू प्रिपेयर योर फॉर समथिंग अनप्लेजेंट देखो हर बार जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो देन आपको ऑलरेडी ब्रेस कर लेना चाहिए अपना आपको यू नो यू नीड टू ब्रेस योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट सो कोई भी आपकी कोई भी आपका जो भी एग्जाम देने जाते हो लेट्स से आप सी और एनडीए देने जा रहे हो इस बार या फिर आप एस देने जा रहे हो देन एक चीज बहुत प्रॉब्लम आती है कि आपको ब्रेस करके जाना है कि पेपर हार्ड भी आ सकता है और पेपर इजी भी आ सकता है तो आपको माइंड में ये चीज रख के जानी है कि अगर पेपर टफ भी आएगा तो मैंने पढ़ा है दो तीन क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आते तो मैं आगे का पेपर अपना अच्छा अटेम्प्ट करूंगा ये माइंड में आपको रख के जाना है कभी भी ये सोच के मत जाना कि पेपर बहुत ईजी आएगा जो मैंने पढ़ा है वही आएगा बल्कि ये सोच के जाना अगर वर्स्ट पेपर भी आएगा तो भी मैं उससे कोप कर जाऊंगा ओके So this was my advice to you guys. Kar rahe hai. Next word is prognosis, which is a judgment about how something is likely to develop in future. Then we have imperil, which is put somebody, something in danger or at the risk of being destroyed. Then we have twisty, which is old fashioned in attitude or style. It could also mean when something smells stale. Okay? When something smells stale here. लास्ट से हम आ जाएंगे क्वेश्चन फिर दे पे आई होप कि आप सब इसका कमेंट्स में आंसर जरूर करो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल विद एंड द सेशन हेयर थैंक यू फॉर वॉचिंग